नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर पूर्णिया से है, जहां कस्बा प्रखंड के गढ़बनेली में एक ही परिवार के 3 मेंबर्स जज बने हैं। दरअसल इनमें दो बेटे और एक बहू शामिल है। अब देखिए किस प्रकार तीनों, दो बेटे और बहू का परिवार वाले और गांव वाले जमकर स्वागत कर रहे हैं। बताते चले कि कस्बा प्रखंड के गढ़बनेली चूड़ी टोला के रहने वाले मूसा सेठ के दो पोता फिरोज अकरम और आसिफ नवाज और एक बहू सगुफ्ता साहनी के जज बनने से गांव तथा परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल व्याप्त है। वहीं जज साहब के दादा ने कहा, उनका सपना था घर में डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा और जज हो, वह अब पूरा हो गया है। उन्होंने काफी मेहनत कर अपने परिवार को इस मुकाम तक पहुँचाया है। वहीं गाँव के लोगों ने गाड़ी के काफिला के साथ गढ़बनेली बाजार का भ्रमण कराया और फिर दरवाजे पर फूल माला पहनाकर बुके देकर जोरदार स्वागत किया। सगुफ्ता साहनी और फिरोज अकरम दोनों ही पति पत्नी हैं और इस बार बीपीएससी की परीक्षा में पत्नी सगुफ्ता साहनी सफलता हासिल कर अपनी मंजिल को हासिल कर अपने सपने को पूरा किया है। उन्होंने शादी के बाद घर परिवार, ससुराल वाले और बच्चे सभी को देखते हुए एग्जाम की तैयारी कर सफलता हासिल कर इस मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने आने वाले युवा महिलाओं को कहा कि महिला सिर्फ किचन तक सीमित नहीं, अगर महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मंजिल को पाने के लिए परिवार वालों का सपोर्ट होना भी जरूरी है। वहीं इस स्वागत समारोह में बिहार के पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री अफाक आलम के भाई सालिक हुसैन ने चादर और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं बताते चले कि अलमान एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम मदनी ने बुके देकर और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह कस्बा में प्रखंड के कई मुखिया एवं ग्रामीण मौजूद थे। तो देखिए, ये एक मिथ है कि औरतें सिर्फ किचन तक ही सीमित हो सकती हैं। इस भ्रम को, इस मिथ को सगुफ्ता साहिन ने तोड़ दिया और जज बनकर के दिखाई। दरअसल एक ही परिवार के 3 मेंबर्स जज बने हैं, जिसमें पति पत्नी और एक भाई भी जज बना है। और देखिए किस प्रकार उनके परिवार वालों ने और घर वालों ने बुके देकर, फूल माला देकर के तीनों जजों का स्वागत किया है। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।